काफी सारे लोगों ने कर लिया। जून में आते तो जुलाई में चले जाते भाई, अभी सितंबर में आए हो, अभी जाओगे नहीं क्योंकि अब पेपर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एन स्क्वायर हम बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कुछ पता नहीं चलता है ना, क्या है इसका, क्या करें, कुछ भी ऐसा नहीं पता चलता ऐसे। क्यों क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वही एल एच रूल नहीं लग रहा, डिनोमिनेटर भी नहीं है। तो हमने क्या करा, एक बार एन स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे इसको तुम ऐसे ही मत समझना, रैशनलाइज कर दिया किस लेने तो बताओ। पहले देख लें, 0.2 सेकंड में आ गया किसले का आंसर। वो थोड़ा सा लेट चला था पर फिर भी काफी फास्ट किया। पहले मैं इस मेथड से करता हूँ, फिर रैशनलाइजेशन से करके देखेंगे कि होता है कि नहीं। हाँ नहीं नहीं मैं मान गया, मैंने पोल लेट चलाया था, रैशनलाइजेशन से भी करके देखेंगे होता है कि नहीं, है ना। पहले ये वाला कर लें एक बार। तो यहाँ पे हम लगा देते बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, होता है गौरव ने कह दिया, बस समझ लो हो गया। तो 1 - nx, बट हम फिर भी चेक करेंगे। उसके बाद देखो nc1x आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद nc2x² आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा n n-1 upon 2, मतलब 1 into 2, समझ में आ रहा है, n+1 upon n² का square। फिर अगली टर्म माइनस में आएगी एंड सो ऑन, फिर एक प्लस एन अल्फा आएगा, प्लस बीटा आएगा, ऐसा। क्लियर है बात? अब देखो ये वाली टर्म पे फोकस करते हैं, ये एक बना माइनस, ये बना -(½n) - 1/2n² आगे बहुत सारी टर्म है। आगे वाली टर्म का मैं कहता हूँ कि छोड़ो, क्या करना है कि नहीं। और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं और एक यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, तो n-1/2 - 1/2n ऐसा आ गया। और इधर प्लस अल्फा n है, प्लस बीटा है। देखो सही है कुछ, गलत है क्या है, हाँ ना कुछ तो बताओ, बोल नहीं रहे यार, ब्रैकेट गलत है कहते। अच्छा कई बार मैं कह रहा था ना कि गलती ढूंढो, लोगों में अलग ही कॉन्फिडेंस आया था कि ढूंढ देते, कोई नहीं दिया तब भी ढूंढेंगे, कुछ तो होगी, जबरदस्ती का ही ढूंढने का यार, होनी भी तो चाहिए। तो अब देखो क्या आपको लग रहा है कि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे देखिए, ये वाली सारी टर्म्स इसके बाद की जीरो हो जाएंगी। हाँ पूछ लो भाई, ये सारे ने चीज नहीं पूछी अभी तक, पूछ लो पूछ लो, मैं भूल गया सॉरी तुम्हें। अच्छा अगर ये सारी टर्म्स कट जाए, हाफ कैसे आया, ये था बेटा हाफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स 1+nx। कहेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पढ़ाया, मैं एक बार पढ़ा हूँ। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, अल्फा तुम्हें लग रहा कि अल्फा को -1 होना चाहिए ताकि ये टर्म और ये टर्म कट जाए, ऐसा मतलब मुझे लगता है, तुम्हें भी लगता है। और बीटा को मुझे लगता है कि -½ हो जाए, मतलब -½ हुआ है, ये +½ हो जाए ताकि निपट जाए काम, मतलब ये +½ इस -½ से कट जाए, बाकी सब तो जीरो है उनका कोई नहीं। तो हमें क्या करना है, 8 times अल्फा प्लस बीटा तो -½ है, तो -4 आ गया। हाँ तो संस्कार तुम कह रहे थे गलत है कुछ, क्या था गलत, चलो एक आसान कर लेते हैं, सही था।